तीन सालों का बकाया है हमारे ऊपर, आपने ही कबूल कर लिया कि बकाया है सरकार के ऊपर। तो ये बकाया कब तक होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाइट्रोविजन, इसे नोट कर लें माननीय मंत्री जी, नाइट्रोविजन कैंसर पैदा करती है और फ्लोराइड ऑन फसल के अंदर सारे जो जीवंत कीटाणु हैं अपने गेंडवे वेड़े जो जिससे फसल पैदा होती है उसको मार देती है, और इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप ये देखिए कई लोग इससे बीमारी से बखेरते हैं, अंदर डालते हैं, बीमार हो गए, फसलों के कई लोग मर गए, और इसको तुरंत बैन लगाया जाए। ये फ्लोराइड 30G ये दवाई ऐसी है, सरकार ने इसको बैन कर रखा है, सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं जो होलसेलर हैं दवाइयों के, वो और जींसों में डालकर इस दवाई को बेच रहे हैं। आप इसकी जानकारी कर लें, और मैं कहता हूं कमेटी बना दे, अमरोहा में मैं छापा डाल के दवाई स्टोरों में पकड़वा दूंगा, जो किसानों के स्टोर में दवाई बिक रही है वहां मैं पकड़वा दूंगा आपको दवाई। तो ऐसी दवाइयों को बैन करें। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा आपसे कि मैंने और तो काम क्या करेंगे हमारे बड़े भाई है मंत्री जी, अध्यक्ष आदम होता है, दो सेंटर मैंने दिए थे, दो सेंटर बिना बदलवाए गए इनसे। अब तो अब नुकरे मैंने अधिकारियों को कह दिया, अब अधिकारी दो सेंटर की बात भी नहीं मान रहे, कैसे मंत्री आप? अरे उत्तर तो ले लीजिए, समय खत्म होने वाला है। धन्यवाद शुक्रिया, ये आ जाए, इन दवाइयों को बैन करें और पेमेंट कराए, बस ये बता दे माननीय मंत्री जी। हाँ हाँ सुनीता जी बोलो, अब हम जवाब नहीं ले रहे। माननीय अध्यक्षता जी, माननीय सदस्य ने पूछा तो सवाल ये था कि 5 साल में कितना बकाया है और कितना गन्ना खरीदा गया, अब पहुंच गए दवाइयों पे। आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं आज ही ये कार्रवाई करूँ, आज ही कर। चलिए एक केवल केवल एक मिनट बता देता हूँ, मानवर बैठे बैठे बैठिए। चलिए प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, अब निधन के निर्देश लेते हैं, पूरा कुछ नहीं।